हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल. हियर वी विल स्टडी हिस्ट्री फॉर क्लास सिक्स. चैप्टर फोर द अर्लीस्ट सिटीज इज स्टिल गोइंग ऑन एंड इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द अर्लीस्ट सिटीज. अर्लीस्ट सिटीज में हम लोग सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमारी पहली अर्लीस्ट सिटीज डेवलप हुई थी. इंडिया की जो एंशियंट सिविलाइजेशन है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड अर्बन सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली के आसपास जो साइट्स हैं जहाँ पर लोगों ने सेटलमेंट करना स्टार्ट किया था, वो सेटलमेंट जो क्या था वो हमारी अर्ली सिटीज़ थी. यानी कि जो पहली नगरी है, हम लोग कह सकते हैं कि पहला नगर, पहला शहर जो हमारा बसा था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली रिवर के आसपास में डेवलप हुआ था. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, बिकॉज दिस साइट वॉज फाउंड अर्लीस्ट. यानी कि सबसे पहले जिस साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहली साइट यानी कि सबसे पहली जगह जिसकी खोज हुई थी, इट वॉज हरप्पा सिविलाइजेशन. इसको हरप्पा सिविलाइजेशन, ये हरप्पा साइट थी और इसीलिए इसको हरप्पा सिविलाइजेशन कहते हैं. अंडरस्टूड? नाउ टुडेज आर टॉपिक इज आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन. हमारी अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी थी बेटा? इंडिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. ये इंडिया की एक अर्बन सिविलाइजेशन थी. इन द बिगनिंग इट वॉज कॉल्ड हरप्पा सिविलाइजेशन. और बिगनिंग में इसको क्या कहा गया? हरप्पन सिविलाइजेशन कहा गया. अब हरप्पा सिविलाइजेशन कहने का क्या रीज़न था? बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट साइट. जो हरप्पा है वो पहली साइट थी विच वॉज फाउंड, जिसको पहली बार खोजा गया था, जिसका पहली बार एक्सकेवेटेड हुआ था, इसीलिए इसको हरप्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन. यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है, यानी कि उसकी बनावट कैसी थी, जो घर वगैरह बने हुए थे, जो हाउसेस थे, जो रोड्स थे, उनकी क्या प्लानिंग थी. तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 34. और जब आप बेटा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ ओपन योर बुक. अंडरस्टूड? बिना बुक ओपन किए यू कैन नॉट अंडरस्टैंड टॉपिक. आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन, पेज नंबर 34, क्लास 6, चैप्टर 4. अर्ली अर्बन सिविलाइजेशन डिस्प्लेड इम्प्रेसिव अचीवमेंट. जो अर्ली अर्बन सिविलाइजेशन थी हमारी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसमें बहुत सारे अचीवमेंट हम लोगों को दिखाई देते हैं. इन प्लानिंग में हम टाउन प्लानिंग पढ़ सकते हैं. टाउन प्लानिंग का मतलब है कि नगर की जो योजना है, शहर को जो बसाया था वो एक नक्शे से बसाया था कि किस तरीके से, जैसे हम लोगों का घर जब हम बनाते हैं तो हम कोई नक्शा बनवाते हैं, मैप वगैरह उसके लिए बनवाते हैं, डिज़ाइन करवाते हैं, मैप डिज़ाइनिंग वगैरह होती है कि भाई कहाँ से सीढ़ियाँ जानी है, कहाँ से मेन गेट होगा, कितना बड़ा होगा, और जो डाइनिंग रूम होगा वो कहाँ होगा, इस तरीके से हॉल कैसा होगा, टेरेस के लिए जो स्टेयर कैसे वो कहाँ से जाएगी. तो इस तरीके का टाउन प्लानिंग भी किया गया था इतने सालों पहले कि भाई जो शहर होगा वो कैसे होगा. घर ऐसा थोड़ा ना यहाँ बना दिया, एक घर एक गली के बीच में बना दिया, एक रोड के बीच में बना दिया, नहीं. इट वॉज टोटली प्लान. जो सिटी थी वो पूरी तरीके से सुनियोजित थी, प्लान करके बनाई गई थी. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंजीनियरिंग एंड इमेजिनेशन, ये सारे इसके फीचर्स थे. लेट्स डिस्कस इन इट इन डिटेल. चलो अब हम इनके टाउन प्लानिंग की डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले इसकी आर्किटेक्चरल जो फीचर्स था वो क्या था? टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जो टाउन था, जो शहर था, उसको कैसे प्लान करके बसाया गया था. द सिटीज़ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वर वेल प्लान्ड. हरप्पन सिविलाइजेशन किसे कह सकते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन. वाई? बिकॉज हरप्पा साइट यानी कि दिस साइट, ये जो स्थान है, इट वॉज फाउंड फर्स्ट. इसकी सबसे पहले क्या हुई थी?
खोज हुई थी, देखो यहाँ लिखा है हरप्पा वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स साइट टू बी एक्सकेवेटेड, यानी कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की जब खुदाई चल रही थी तो सबसे पहले जिस साइट की खुदाई हुई या जो साइट की खोज हुई वो हरप्पा थी। दैट्स वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन के जो टाउन थे, जो सिटीज थी, वो वेल प्लान्ड थी। द स्ट्रीट कट्स ईच अदर एट राइट एंगल, जो गलियां थी वो एक दूसरे को राइट एंगल से काटती थी। जैसे कैसे बेटा, ये देखो ये गली, ये राइट एंगल पर मिल रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो गली है वो यूं मुड़ गई फिर यूं मुड़ गई, ऐसा नहीं था कि अगर कोई स्ट्रीट है वो ऐसे यहाँ से जा रही है और यहाँ से फिर यूँ टर्न होगी, यूँ नहीं जो स्ट्रीट है यहाँ से स्टार्ट हुई देन टर्न टर्न टर्न, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो स्ट्रीट्स थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी। ऐसे अगर काट रही हैं तो घर यहाँ पर बने हुए हैं, अंडरस्टूड? इस तरह से वेल प्लान्ड सिटीज थी। तो स्ट्रीट जो मेन स्ट्रीट हैड इन मोहनजोदड़ो, द मेन स्ट्रीट हैड हाउसेस बिल्ट ऑन बोथ साइड विथ बैक ब्रिक्स। इन मोहनजोदड़ो पर जो खोज हुई है, मोहनजोदड़ो भी एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक जगह है जहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। जो मेन स्ट्रीट है, जो मेन गली है, उसके दोनों तरफ घर हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो गली जा रही है तो इस तरफ भी घर है, इधर भी घर है। अब हम लोग जब अच्छी डेवलप्ड कॉलोनी देखते हैं तो हम लोग देखते हैं ना बीच में से रोड जा रही होती है, इधर भी घर बसे होते हैं, इधर भी घर, अच्छी चौड़ी रोड होती है। ये क्या होता है, प्लान करके ही तो किसी इंजीनियर ने तो प्लानिंग किया है उस कॉलोनी को डेवलप करने के लिए। और अगर हम किसी ऐसे ही मोहल्ले में चले जाते हैं तो पता चलता है ये गली यूँ घुस रही है, यूँ निकल रही है, यूँ निकल रही है। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन थी उसकी स्ट्रीट एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी। इन मोहनजोदड़ो द मेन स्ट्रीट हैड हाउसेस बिल्ट ऑन बोथ साइड्स विथ बैक्ड ब्रिक्स, और ये जो घर जो बने होते थे ये पक्की ईंट के बने होते थे। दिस स्ट्रीट वॉज 800 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, और गलियाँ को ऐसी सकड़ी सकड़ी सी गलियाँ नहीं थी, ठीक है, अच्छी चौड़ी और लंबी सड़कें थी जो कि 800 मीटर लंबी और 10 मीटर वाइड होती थी। द मेन फीचर वॉज द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, और सिटी का जो मेन फीचर होता था वो ये होता था कि जो शहर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता था। वन पार्ट वॉज बिल्ट ऑन रेस्ड ग्राउंड एंड हैड अ प्रोटेक्टिव वॉल विच गेव प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फ्लड्स एंड अदर पार्ट वॉज लोअर टाउन। अब ध्यान से सुनिएगा, सिटी का जो मेन फीचर होता था वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, सिटी टू पार्ट्स में डिवाइड थी। सिटी क्या थी बेटा, टू पार्ट्स में डिवाइड थी। हम लोग देखते हैं कि सिटी में कहीं पर पार्ट जो है रेज होता है, कहीं पर पहाड़ होते हैं, कहीं प्लेन पार्ट होता है। तो इस तरीके से सिटी डिवाइडेड थी इंटू टू पार्ट्स, वन पार्ट बिल्ट ऑन द रेज्ड ग्राउंड, और एक पार्ट तो जो ग्राउंड उठा हुआ ग्राउंड होता था यानी कि ऊंचाई वाले जगह पर बसी थी। एक सिटी कहाँ बसी थी, जो ऊंचाई वाले जगह, यहाँ पर घर बने हुए थे, ठीक है। और अदर पार्ट, जो अदर पार्ट था, वन पार्ट वॉज बिल्ट ऑन अ रेज ग्राउंड एंड हैड अ प्रोटेक्टिव वॉल विच गेव प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फ्लड एंड अदर पार्ट ऑफ द लोअर टाउन, और सिटी का जो अदर पार्ट था वो लोअर टाउन यानी कि नीचे वाली प्लेन वाली जगह पर वो बसा हुआ था। डन, अंडरस्टूड? तो सिटी कितने पार्ट में डिवाइडेड थी बेटा, टू पार्ट में, वन पार्ट रेज्ड ग्राउंड पर था एंड अदर पार्ट लोअर ग्राउंड पर था। द टाउन वर मैनेज विथ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, और जो टाउन है इसके लिए, इसको मैनेज करने के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था। द सीटाडल, अब हम पढ़ेंगे सीटाडल के बारे में। मैंने आपको कहा कि टाउन टू पार्ट में डिवाइड था, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, और अपर पार्ट पर जो बिल्डिंग्स बनती थी वहाँ पर रॉयल फैमिली के लोग रहते थे, फोर्ट्स वगैरह बनाए जाते थे, किले वगैरह जो हैं वो अपर पार्ट पर बनते थे, और इनको सीटाडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सीटाडल। अब जो सेकेंड फीचर है वो सीटाडल ही है, सीटा डल। अब ये सीटाडल क्या होते हैं, लेट्स वी नो द सीटाडल।
अब हम सिटाडेल के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। द मोस्ट ऑफ द सिटीज वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि सिटी टू पार्ट्स में डिवाइड होती थी। कुछ जो हैं बिल्डिंग्स वो अपर पार्ट पे होती थी और कॉमन पीपल के जो घर होते थे वो लोअर पार्ट पे होते थे। द अपर पार्ट वॉज कॉल्ड सिटाडेल। और ये जो अपर पार्ट है इसको क्या कहा जाता था? सिटाडेल, सिटाडेल कहा जाता था। तो सिटी वर द मोस्ट ऑफ द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अपर पार्ट वॉज कॉल्ड सिटाडेल और अपर पार्ट को क्या कहते थे? सिटाडेल कहा जाता था। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स सच एज पैलेसेस ऑफ द रूलर्स। मैंने अभी अभी आपको कहा कि कुछ खास बिल्डिंग ही अपर पार्ट में बनाई जाती थी, जैसे पैलेस हो गए, महल हो गए, किले हो गए, इनको अपर पार्ट में बनाई। हम लोग भी देखते हैं आज के टाइम पर भी जो किले हैं, जो महल हैं, वो ऊंचाई पर बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स सच एज पैलेस ऑफ द रूलर्स, होम्स ऑफ रूलिंग क्लासेस, पब्लिक हॉल्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर मतलब टेम्पल वगैरह जो हैं, ग्रेनरीज वर कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडेल। तो सिटाडेल पर कौन सी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी? इंपॉर्टेंट बिल्डिंग सच एज पैलेसेस, ठीक है, और रिलीजियस स्ट्रक्चर मतलब टेम्पल वगैरह, ग्रेनरीज, होम्स ऑफ रॉयल फैमिलीज, यानी कि रूलिंग क्लास जो होती थी, रूलिंग क्लास में जैसे जो कोई मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनके घर उन पर बनाए जाते थे। तो सिटाडेल में कुछ खास बिल्डिंग ही बनाई जाती थी और कॉमन जो लोग है, कॉमन पब्लिक लिव्ड ऑन लोअर ग्राउंड, और उनके जो घर होते थे, द हाउसेस ऑफ कॉमन पब्लिक या कॉमन पीपल वर बिल्ट ऑन लोअर पार्ट, वो लोअर पार्ट पर बनाए जाते थे। एंड इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द एक्रोपोलिस, और सिटाडेल को एक्रोपोलिस भी कहा जाता है। तो अपर पार्ट पर जो बिल्डिंग बनाई जाती थी उसको क्या कहा जाता था? अपर पार्ट वॉज कॉल्ड सिटाडेल। टाउन का अपर पार्ट क्या कहलाता था? सिटाडेल, और इसको एक्रोपोलिस भी कहते थे, एक्रोपोलिस भी कहा जाता था। अंडरस्टूड? तो टाउन कितने पार्ट में डिवाइड था? टू पार्ट्स में, अपर पार्ट लोअर पार्ट। अपर पार्ट ऑफ टाउन वॉज कॉल्ड सिटाडेल एंड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन दैट अपर पार्ट। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एक्रोपोलिसिस, इसको एक्रोपोलिस भी कहा था। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो वॉज लाइक ए पब्लिक प्लेस एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ सिटाडेल। द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ को हम लोग, आप मोहनजोदारो जब मूवी देखोगे तो शायद उसमें दिखाया गया हो, ग्रेट बाथ यानी कि बहुत बड़ा स्विमिंग पूल की तरह ही ग्रेट बाथ था और इसे सिटाडेल पर ही बनाया गया था। इट वॉज मेड ऑफ ब्रंट ब्रिक्स, यानी कि ये पक्की ईंटों का बना हुआ था, विच वर कॉटेड विथ प्लास्टर टू मेक इट वाटर प्रूफ, और इसको प्लास्टर किया गया था ताकि इसमें से पानी लीकेज ना हो। आपके चैप्टर में पिक्चर भी दी हुई है, ये वाली देखिए आप, ये जो है मोहनजोदारो के साइट का ग्रेट बाथ है, ये देखिए, ये रही पिक्चर ग्रेट बाथ, दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो वॉज लाइक ए पब्लिक प्लेस, ये एक पब्लिक प्लेस था और कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडेल, और ये कहाँ पर बना हुआ था? सिटाडेल। आप देखेंगे ये ब्रिक्स का बना हुआ है, ओके, इट वॉज मेड ऑफ ब्रंट ब्रिक्स, और ये पक्की ईंटों का बना हुआ था, विच वर कॉटेड विथ प्लास्टर टू मेक इट वाटर प्रूफ, और इसको प्लास्टर से इसकी परत मजबूत बनाई गई ताकि ये वाटर प्रूफ रहे। अ कोटिंग ऑफ टार वॉज ऑल्सो अप्लाइड टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ सिपेज, इट हैड अ फ्लाइट टू स्टेप ऑन आइदर साइड, और इसकी दूसरी तरफ क्या है? स्टेप्स है, यानी इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। द फ्लोर ऑफ बाथ वॉज ऑल्सो मेड ऑफ ब्रंक बीट, और जो फ्लोर है यानी कि ग्रेट बाथ का, उस स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है वो भी ब्रंट ब्रिक्स से बनाई गई है, पक्की ईंटों से बनाई गई है। इट हैड सेवरल रूम्स विच वर प्रॉबेबली यूज फॉर चेंजिंग, और हम लोग स्विमिंग पूल के आसपास जाते हैं तो बहुत सारे क्या रहते हैं? रूम्स रहते हैं चेंजिंग के लिए, तो यहाँ पर भी बहुत सारे रूम्स हैं फॉर चेंजिंग, शायद ये चेंजिंग के लिए रहे होंगे। द स्ट्रक्चर शोज दैट इट वॉज मेड फॉर रिलीजियस एंड रिट्यूल्स बाथिंग, और स्ट्रक्चर क्या बताता है कि जब हम ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर देखते हैं मोहनजोदारो का, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई धार्मिक या रिट्यूल्स
चीज़ें ही हुआ करती थी। धार्मिक क्रियाओं के लिए जो स्नान वगैरह होता है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता था। द अदर पार्ट वॉज लोअर। तो सीटाडल पर क्या क्या बन है? पैलेसेस बनाए गए हैं, टेम्पल्स हैं, ग्रैनरीज हैं, हाउस ऑफ रूलिंग जो रूलिंग क्लास है उनके घर बनाए जाते थे अपर पार्ट पर, और ग्रेट जायंट बाथ भी कहाँ पर है? अपर पार्ट पर ही कंस्ट्रक्टेड होता था। अदर पार्ट वॉज द लोअर टाउन वर स्मॉल हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल वर बिल्ट। मैंने आपको कहा कि अदर पार्ट जो कि लोअर पार्ट होता था टाउन का, वहाँ पर स्मॉल हाउसेस बनते थे कॉमन पीपल के लिए। सम हाउसेस वर ऑन वन स्टोरी एंड अदर हैड टू स्टोरी। कुछ हाउसेस एक ही फ्लोर के होते थे और कुछ हाउसेस टू स्टोरी यानी कि दो बिल्डिंग के होते थे। हाउसेस ऑल्सो हैड कॉर्टयार्ड। घर में एक कॉर्टयार्ड बरामदा होता था विथ रूम्स इन देम और कमरे भी हुआ करते थे। दे ऑल्सो हैड बाथरूम किचन इवन वेल्स। उन घरों में किचन भी होता था, बाथरूम भी होता था, वेल्स होता था। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इतने पुराने साल इतने सालों बाद भी इतने सालों पहले भी सिटी जो है वो डेवलप्ड हो चुकी थी। ये लोग जानते थे कि एक प्लान सिटी कैसे बनती है, कि भाई इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स कहाँ बनानी है, कॉमन लोगों के घर कहाँ हैं, घर में क्या क्या होना चाहिए। ये ब्रंट ब्रिक्स के बने होते थे, पक्के ईंटों के बने होते थे। लेट्स वी सी क्विक रिविजन फर्स्ट। तो हमने टाउन प्लानिंग एंड सीटाडल सीख लिया है। सीटाडल किसे कहते हैं बेटा? सीटाडल अपर पार्ट ऑफ टाउन, अपर पार्ट ऑफ टाउन। और लोअर पार्ट में क्या बनते बने होते थे? एट द लो ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी स्मॉल हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल वर बिल्ट। क्विक रिविजन फर्स्ट। क्विक रिविजन फर्स्ट। क्विक रिविजन फर्स्ट हम लोग देखते हैं। डिफाइन सिविलाइजेशन। डिफाइन सिविलाइजेशन कि सिविलाइजेशन को हमें इसमें डिफाइन करना है। डिफाइन करना है सिविलाइजेशन को, जो कि हमारे पेज नंबर 32 पर है। यहाँ पर है कि सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है। अ सेटलमेंट, आंसर इसका अ सेटलमेंट, अ सेटलमेंट बिकम्स, अ सेटलमेंट बिकम्स अ सिविलाइजेशन एक सेटलमेंट सिविलाइजेशन कम बन जाता है थ्रू आफ्टर सर्टन after certain level of progress after certain levels of progresses यानी कि अगर एक सेटलमेंट में कुछ लेवल तक प्रोग्रेस हो जाए और डेवलपमेंट हो जाए तो वो क्या हो जाती है? सिविलाइजेशन बन जाती है। प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंट्स, एंड डेवलपमेंट्स। सेटलमेंट क्या होता है कि जब लोगों ने ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया था, सेटल हो गए थे एक जगह के रहने का स्थान, जब सिविलाइज हो जाता है, जब वहाँ पर एक लेवल तक प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट दिखने लगता है। नंबर टू, राइट वन अचीवमेंट डिस्प्लेड बाय अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन की वन अचीवमेंट टाउन प्लानिंग क्या है बेटा? टाउन प्लानिंग। वैसे तो बहुत सारी अचीवमेंट रही है इनकी, लेकिन वन अचीवमेंट हम लिखना है टाउन प्लानिंग। सीटाडल वॉज ऑल्सो कॉल्ड द एक्रोलिप्स। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सीटाडल यानी कि अपर पार्ट, टाउन टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे। जो अपर पार्ट है सीटाडल, उस अपर पार्ट जिसको सीटाडल कहता है उसको एक्रोपोलिस भी कहते हैं या नहीं? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है।
नंबर फिफ्थ, हरप्पा इज नाउ इन पाकिस्तान। हरप्पा कहाँ है बेटा? अब पाकिस्तान में है। एंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी रिवर, रावी रिवर के किनारे। नंबर सिक्स, सिटाडल वॉज पार्ट ऑफ सिटी, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, अपर पार्ट। सिटाडल कौन सा पार्ट है? अपर पार्ट ऑफ सिटी। नाउ अब हम जो करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूज हॉल्स, ऑल्टर्स एंड ग्रैनरीज, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो। ह्यूज हॉल्स यानी कि बड़े बड़े हॉल्स, ग्रैनरीज यानी कि बड़े बड़े स्टोर हाउसेस, इट वॉज ऑल्सो अचीवमेंट ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन इंडिया की कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन, अंडरस्टूड? तो इनकी और फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।